ओम नमः शिवाय। जब कोई साथ न दे, चारों तरफ से निराश हो, कोई सहारा दिखाई न दे, तो प्रभु की कृपा की इस अद्भुत कहानी को बड़े ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, कहते हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जगभर बैरी होए। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ जिस पर भगवान रुष्ट हो जाए, उसको कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, भक्त और भगवान की यह अनुपम कहानी आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करके आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। जिसने अपने जीवन की डोर गोविंद को सौंप दिया, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक आप हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। आइए कहानी को सुनते हैं। रमेश का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। रमेश के दो बड़े भाई थे, जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे। किंतु रमेश के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। रमेश जन्म से ही नेत्रहीन था। इसी कारण से उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त रमेश के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी, वह यह कि उसकी माँ का निधन उसकी छोटी सी उम्र में ही हो गया था। यद्यपि रमेश के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे और उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यस्तता के चलते वह घर में ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए रमेश का जीवन घर के नौकरों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण रमेश के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लगा। वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा था। उसके पिता और उसके भाइयों को इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उसको कभी भी इस कार्य से रोका नहीं, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा, परंतु धीरे धीरे रमेश की भाभियों को रमेश अखरने लगा। रमेश भी अब युवा हो चला था। उसकी दोनों भाभियों को रमेश की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहले तो वह इस बात को अपने मन में ही छुपाए रहती, किंतु धीरे धीरे इस बात ने रमेश के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभी की इन भावनाओं से बिल्कुल अनजान रमेश उनसे अपनी माँ का उनमें रूप देखता था और सोचता था कि उनकी माँ की कमी अब पूरी हो गई है। इसी तरह से वह अपनी भाभियों के साथ व्यवहार करता था जैसे वह अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था। उसकी माँ की कमी पूरी हो चुकी थी। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण कर रही थी। कुछ ही दिनों के बाद रमेश के पिता का भी देहांत हो गया। अब रमेश पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभी पर ही निर्भर हो चुका था। उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना हुआ था जैसा कभी पहले था। किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देख करके रमेश की भाभियों ने अपने पतियों से रमेश के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका षड्यंत्र बढ़ता चला गया। अंततः एक दिन वह आ गया कि जब रमेश के भाई भी पूर्ण रूप से रमेश के विरुद्ध खड़े हो गए। अब उनको भी रमेश अखरने लगा था। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय रमेश अब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता था। किंतु ऐसा कब तक चलता? आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है? इसने जीवन भर क्या किया है? यह जो कुछ भी है सब तुम्हारे ही परिश्रम के कारण आज है, लेकिन इसी में से इसको कुछ न कुछ देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको क्यों संपत्ति दी जाए? भाइयों के मन में कपट बस गया। एक दिन सब ने मिलकर के रमेश से कहा कि अब तुम्हारा बोझ हम और अधिक समय तक नहीं उठा सकते, इसीलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध कहीं अन्यत्र कर देते हैं। अब तुम वहीं रहा करो। तुमको समय पर खाना, कपड़ा और जो भी सुविधाएं हैं, आवश्यक सामग्री है, वह सब कुछ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के मुख से अनायास ही इस प्रकार की बात को सुनकर के रमेश बिल्कुल आवाक रह गया। वह नहीं समझ सका कि वह क्या बोले। उसकी आंखों से जर्जर आंसू बह निकले, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अतः स्वयं को संभालते हुए वह कहने लगा कि भाई,
आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। बस यही अपराध मेरा है कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अनायास यह क्या हो गया? भाइयों के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वह उसको छोड़ करके चले गए। अब रमेश पूरी तरह से अनाथ हो चुका था, पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर रमेश तो ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन से रमेश ठाकुर जी के ध्यान में खो गया। अगले ही दिन रमेश के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम से वीरान था, न किसी का आना जाना, न किसी का रहना। कुछ पशु पक्षी वहां विचरण करते रहते थे। वहां से थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। रमेश के खाने और देख रेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तथा रात्रि के भोजन का प्रबंध रमेश के भाई और भाभी कर देते थे। उसके जो कपड़े थे वे घर से धुल करके आ जाते थे। रमेश ने कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसी में ही संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था कि जब भी वह भोजन करने बैठता तो पहले अपने गोविंद का ध्यान करता, उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद दे करके तब जाके भोजन को करता। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा। और इसी बीच रमेश की दोनों भाभियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उसके बाद रमेश का यह प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी उन दोनों भाभियों को अखरने लगा। तब दोनों ने मिलकर के एक भयानक षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने रमेश को समाप्त करने की योजना बना ली और अगले ही दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में विष मिला करके सेवक के हाथ भेज दिया। इस बात से पूरी तरह से अनजान सेवक भोजन लेकर के पहुंचा और रमेश को भोजन सौंप दिया। रमेश ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की तरह भोजन गोविंद को अर्पित किया। अब जिसके साथ गोविंद सदा रहते हो उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या करता। गोविंद के भोजन को स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। रमेश ने सुख पूर्वक भोजन किया, भगवान का धन्यवाद दिया और लग गया भगवान के भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थी कि चलो आज पीछा छूट गया उस अंधे का। अगले ही दिन अनजान बन करके उन्होंने फिर से प्रातः समय का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इसी आशा में कि थोड़ी देर में सेवक लौट करके आएगा और उनको मन को प्रसन्न करने वाली सूचना दे करके वह आएगा। नाश्ता दे करके जब सेवक वापस लौटा तो रमेश को कुशल जान करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोनों पापी बुद्धि या नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी कारण से वह रमेश ने रात्रि में भोजन न किया हो। ऐसा विचार करके उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठान ली। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में रमेश के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक जहर मिला दिया। वह स्वयं ही खीर लेकर के रमेश के पास गई और रमेश को बड़े ही प्रेम से व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है, क्या रात्रि में तुमने भोजन नहीं किया था? अपनी भाभियों को वहां देख करके रमेश बहुत खुश हुआ। वह बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन कर लिया था, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गई कि इसने भोजन किया तो फिर यह जीवित कैसे बच गए। उनकी पापी बुद्धि ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को नहीं पहचान पाई। उन्होंने मन में विचार किया कि रमेश हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक रमेश को खीर देकर के कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बना करके लाई हैं और अपने सामने ही हम तुमको खिला करके तभी वापस जाएंगे। उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को रमेश नहीं पहचान सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रेम से वह खीर ली और उसको खाने बैठ गया, किंतु खाने से पहले वह अपने गोविंद को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक गोविंद का ध्यान किया, उनको खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक तब जाकर के वह खीर खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा षड्यंत्र, वह सुख पूर्वक सारी खीर को खा गया। उधर उसकी भाभियों ने जब उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया इसका काम तमाम, अंत में अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। इसी तरह का विचार करके वह तुरंत ही वहां से निकल पड़ी। खीर खाने के बाद रमेश ने भाभी को धन्यवाद दिया और कहा, किंतु वहां होती तभी तो धन्यवाद करता, वह वहां से जा चुकी थी। रमेश को बहुत आश्चर्य हुआ कि अनायास ही वह दोनों कहां चली गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुनः ध्यान किया और हरि के भजन में वह खो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन से अपने घर पहुंचे तो देखा घर में कोहराम मचा था।
देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है और उसी के खाने से उनकी मृत्यु हो गई है। यह देख करके दोनों को काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति में आ गई। अब अपने पाप को उनको एहसास होने लगा। वह जान गई कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। वह दोनों दहाड़े मार मार करके रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उधर एक सेवक दौड़ करके रमेश के पास पहुंचा और सारी घटना कह सुनाई। सुन करके रमेश एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहां ले चलो। सेवक रमेश को लेकर के घर पहुंचा। वह जाकर रमेश ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उसके भाई और भाभी का तो रो रो करके बुरा हाल था। रमेश को वहां जीवित खड़ा देख करके दोनों भाभी सन्न रह गए। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस रमेश को उन्होंने ठुकरा दिया था और जिसकी हत्या करने की कुचेष्टा की थी, भगवान स्वयं उसके साथ है, इसीलिए उसका कोई बाल नहीं बाका कर सका है, बल्कि भगवान ने उसको ही उनकी करने का फल दे दिया है। वह दोनों कुटिल स्त्रियां रमेश से भयभीत होकर के उसके पैरों में गिर पड़ी और अपने सारे अपराध उन्होंने स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करने की दुहाई देने लगी। रमेश और उसके भाई उन दोनों के षड्यंत्र को सुन करके हैरान थे, किंतु रमेश तो वहां उन बच्चों की खातिर आया था। रमेश ने सेवक से कहा, मुझको बच्चों तक पहुंचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। बच्चों के पास पहुंच करके रमेश ने गोविंद का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, इन दोनों मासूमों को जीवन दान दो या फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर रमेश ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला हुई, अपने भक्त की पुकार को कैसे अनसुना करते, पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देख करके रमेश के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने रमेश से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वह यहीं रहेगा पहले की ही तरह। किंतु रमेश का तो सर्वत्र अब उसके गोविंद थे, उसको इन बातों से भला क्या लेना देना था। वह सेवक के साथ वापस लौट गया। रमेश के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए थे जा रहे थे। सारा समाज उनको बुरा कह रहा था। सभी ने यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको उन्होंने निर्दयता से ठुकरा दिया था। उन सभी की सारी रात उनको नींद नहीं आई। अगले दिन सभी ने मिलकर के रमेश को वापस लाने का निर्णय किया। सभी लोग मिलकर के रमेश के पास पहुंचे, किंतु रमेश तो पहले से सब कुछ भांप चुका था। वह लोग जब रमेश के निवास पर पहुंचे तो रमेश वहां नहीं था। वह वहां से निकल चुका था, कहीं और जा चुका था। वह अपने गोविंद से मिलने चला गया था। भाई भाभी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने रमेश को आसपास बहुत खोजा, किंतु वह वहां नहीं था। निराश मन से सभी लोग वापस लौट आए। इसी तरह से भगवान ने भक्त पर कृपा की और भक्त की लाज रखी। जिसका कोई नहीं था, भगवान ने उसका साथ दिया। जब कोई किसी का सहारा नहीं होता है तो ऊपर वाला उसका सहारा होता है। वही भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है, उसके जीवन में भला कौन सा दुख आ सकता है, उसके तो सारे दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।